तो क्या हाल है आप सबका गैस आई होप आप सारे ठीक होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे तो गैस सबसे पहले आप सबको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक और उसके बाद पहली जो शहरी है वो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक क्योंकि अभी मैं जो वॉइस ऑफ करूँ एडिटिंग करूँ अभी शहरी का टाइम होने वाला है तो बाकी वीडियो तो कल दिन को अपलोड होगी लेकिन ये है कि अभी मैं एडिटिंग करूँ तो क्यों ना आप सबको पहली सहरी भी मुबारक बोल दूँ तो गैस सारे रोज़े रखना कोई भी रोज़ा छोड़ना मत सारी नमाजें पढ़ना ट्राई करना त्राफियाँ भी पढ़ना और मतलब कोई भी चीज़ रह ना जाए यार ये एक महीना है तो इसमें ताकि हमारी सारी जो पूरे साल की जो कसर है वो निकल जाए तो भाई मेरी आप सब के लिए मैं जब भी नमाज पढ़ूँगा आप सब के लिए दुआ करूँगा और सब आप सब भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ जरूर करना तो बाकी चलते हैं आगे वीडियो की तरफ हो जो जो वीडियो अपनी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दो बाकी यार ये गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा मजे का है लिविक का गेम प्ले है काफ़ी अच्छे हासिक किल्स निकलेंगे इसमें मेरे और उसके बाद काफ़ी इंटेंस फाइट्स होंगी और काफ़ी हार्ड लो भी आई थी तो भाई आपको देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा तो मैं साथ साथ वॉइस ओवर करता हूँ और साथ साथ आप गेम प्ले इन्जॉय करें और साथ साथ मेरा वॉइस ओवर इंजॉय करें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी तो भाई मैं उतरा था पावर प्लांट यहाँ पे मेरे साथ एक स्कॉड उतरा था जिसके तीन बंदे थे एक पीछे की साइड उतरा जिसको मैंने पहले नोक किया उसके बाद दो ये आगे थे ये बंदा सामने मुझे नज़र आता है पहले इसमें को फायर करता हूँ कवर में आता हूँ फिर मैं इसको फायर करके नोक कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर पीक मत किया करो क्योंकि क्या पता आपको अगले के पास कौन सी वन है कौन सी डिवाइस है कितनी एम एस आ रही है तो भाई जितनी ज़्यादा आप पीक करोगे आपको उतनी ज़्यादा मतलब ख़तरा होगा यार कि आप जल्द नोक हो सकते हो इसलिए कम से कम पीक किया करो और कम से कम पीक करके आप अगले बंदे को डाउन करने की कोशिश किया करो तो भाई एक बंदे को मैं डाउन करता हूँ दूसरा टीम मेट इसका यहीं पर होता है तो मैं इस पर एग्रेस करता हूँ इसको थोड़ा सा मैं लो पहले करता हूँ फिर दो तीन बुलेट्स मेरे कनेक्ट होती है फिर मैं डायरेक्ट इस पर रश कर देता हूँ तो भाई ये मुझको को थोड़ा सा लो करते इसके पास होती है ओजी लेकिन फिर भी मैं यू से डाउन कर देता हूँ भाई यू आजकल काफ़ी ज़्यादा मेटा में यूज़ हो रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका डैमेज भी हो गया इसकी बुलेट्स ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती क्लोज रेंज में तो ये है कि आपको अगला बंदा इजीली आप डाउन कर सकते हो तो भाई यहाँ पे तीन बंदे आए थे एक को मैंने पहले नॉक किया फिनिश किया उसके बाद दो जो थे उनको मैंने बाद में नोक एंड फिनिश कर दी और फिर इनकी मैंने कर दी लूट और फिर इसके बाद आगे की तरफ़ फायर हो रहे थे तो मैं आगे की तरफ चला गया उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ बोट होता है उसको मैं नोक करता हूँ दूसरी बोट को नो करता हूँ उसके बाद ये सामने बंदा होता है तो मेरे गन पे जो होता है स्कोप नहीं लगा होता फिर भी मैं इसको मारता हूँ मुझे लगता है बोट है लेकिन जब मैं इसको नोक करता हूँ फिर मुझे पता चलता है ये भाई एपिक्स अतीक भाई होते हैं जिनको मैं यहाँ पर नोक करके फिर मैं आगे की तरफ थोड़ा सा आता हूँ लेकिन मैं थोड़ा देख के आता हूँ कि मे बी अगर ये रेल बंदा है तो इसके टीम मेट्स पे आस कहीं के पर होंगे तो फिर मैं थोड़ा सा एहतियात से आगे की तरफ जाता हूँ लेकिन यार जब तक तो मैं वहाँ से यहाँ पे आता था वो पीछे कवर में चले जाते हैं लेकिन मैं यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा ढूंढता हूँ उनको बट वो मुझे मिलते नहीं हैं भाई मैं काफ़ी ज़्यादा जंप्स वगैरह करके स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ कि यार मुझे कहीं पे नज़र आ जाएं बट वो मुझे नजर नहीं आते तो फिर मैं थोड़ी देर उनको यहाँ पर इसी तरह ढूंढता रहता हूँ चेक करता हूँ कि यार एक एक एंगल चेक करता हूँ कि यार कहीं पर वो मुझे मिल जाएँ तो बहरहाल वो अभी तो मुझे नहीं मिलते तो फिर होता है ऐसे कि मैं थोड़ा सा आ गया तो मुझे लगता है शायद से वो घर की तरफ आया हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे आता तो हूँ ये बंदा मुझे पे फायर करने के लिए आता है काफ़ी ज़्यादा मुझे लो कर देता है तो मैं इसको नोक करता हूँ दूसरा बंदा जिसको मैंने एपिक्स अतीक भाई को पहले नोक किया होता है वो हील कर रहे होते हैं और फिर मैं उनको भी वहाँ पर स्पॉट करके डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ तो उसके बाद मैं अपनी हीलिंग करता हूँ और हीलिंग करने के बाद मैं इन दोनों क्रेट्स के आकर लूट करने लगता हूँ और जैसे मैं इनकी लूट कर होता तो हूँ भाई मेरे नंबर वन भाई नौ हो जाते हैं और फिर मैं मैप निकाल के देखता हूँ कि ये कहाँ पे तो नंबर वन और नंबर टू साथ में होते हैं तो फिर मैं लूट करता तो हूँ मुझे लगा शायद से नंबर टू उनको वापस से रिवाइव कर दें लेकिन नंबर टू भी इतनी देर में नो हो जाते हैं फिर मैं सबसे सब पहले रिकॉल की तरफ जाता हूँ कि सबसे पहले मैं इनको रिकॉल करूँ एंड देन फिर जाके आगे एग्रेस करूँ बट मैं जब रिकॉल के पास जाता हूँ तो जो हमारे नंबर थ्री भाई होते हैं वो इन दोनों को ऑलरेडी रिकॉल कर चुके होते हैं तो फिर मैं रिकॉल वगैरह नहीं करता क्योंकि रिकॉल तो ऑलरेडी हो चुके होते हैं तो फिर मैं आगे उन पर पुश करने के लिए स्कॉट की तरफ चला जाता हूँ तो भाई मैं उस स्कॉट पर रश करने के लिए आगे जा रहा होता हूँ तो इतनी देर में मेरे राइट साइड से गाड़ी आ जाएगी बैक साइड से और ये गाड़ी पर मैं स्प्रे करता हूँ थोड़ी सी बुलेट्स को कनेक्ट होती हैं उसके बाद ये बंदा उतर जाता है और फिर मैं इसको मारता हूँ और ये होती हैं क्वीन हती हादिया तो इन हादसियों को यहाँ पे हम कर देते हैं डायरेक्ट फिनिश क्योंकि ये आई थिंक सोलो खेल रही होती हैं या इनके सारे टीम मर गए थे लास्ट में यही बचती हैं और गाड़ी लेके घूम रही होती हैं तो फिर इनको मार देता तो हूँ उसके बाद जो ऊपर वाला स्काट होता है उस पर पुश करने के लिए जाता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहे होते हैं तो मैं ऐसे ओपन से जाके अपनी पेटी बनवाना नहीं चाहता था तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट से रोटेट करता हूँ इतनी देर में मुझे लेफ्ट पे बंदा नजर आता है पहाड़ी से चढ़ो वो देखो आपको भी नज़र आया होगा तो इस पर मैं स्प्रे करता हूँ लेकिन इतनी देर में ये कवर में चला जाता है एक दो बुलेट इसको मेरी क्नेक्ट होती भी हैं लेकिन ये कवर में चला जाता है और फिर मैं थोड़ा सा आगे अग्रेस करता हूँ इतनी देर में एक बोट आ जाता है बोट को यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं फिनिश मुझे लगता है इसका बंदा लेकिन ये बोट होता है तो ये बंदा अभी इधर ही है तो मैं इस पर अग्रेस करने के लिए आता हूँ और इतनी देर में जिस बंदे ने मेरे टीम को मारा था वो वाला स्कॉड मेरे राइट पर आ जाता है ऊपर पहाड़ी की तरफ तो भाई ये लदा स्क्वाड होते हैं वो लदा स्क्वाड होते है और मैं शुक्र है कि सीधा आगे नहीं चला गया नहीं तो मैं इन दोनों के बीच में पिंच होकर मर जाता तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ और फिर ये स्कॉड आपस में लेता है फाइट ये लोग राइट वाले मुझ पर भी नेट्स वगैरह करते हैं लेकिन मैं यहाँ पे वेट करता हूँ आराम से चिल सीन करता हूँ कि भाई आपस में फ़ाइट ले लें उसके बाद मैं देख के आराम से कौन से थर्ड पार्टी करूँगा तो फिर मैं आराम से यहाँ पर प्रोन होकर लेट जाता हूँ और ये बंदा जैसे ही फिर उसके साथ फ़ाइट लेने के लिए आगे जाता है ये राइट वाला स्कॉट और ये राइट वाला स्काड उनको भी मार देगा तो फाइट लेने के लिए जैसे ही आगे जाता है फिर मैं थर्ड पार्टी करने के लिए ऊपर आ जाता हूँ इन पर थर्ड पार्टी करने के लिए तो मुझे सामने ये बंदा नज़र आता है स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर को मैं मारता हूँ उसके बाद इसको नोक करता हूँ नोक करने के साथ साथ फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे स्मोक में अभी वो भी बंदे होते हैं तो यहाँ पे मैं पहले रैंडम फायर करता हूँ फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना इस पर थोड़ा सा एंगल बना के फिर इनको मारा जाए क्योंकि ऐसे सामने से फाइट लेने के लिए मेरी लोकेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं थोड़ा सा राइट से एंगल बनाऊँ और एंगल बना के फिर इनके साथ फ़ाइट लूँ तो यार जैसे मैं एंगल बनाने के लिए आता हूँ ये बंदा पीछे की तरफ भागता है और मेरे पास इसका एंगल होता है तो मैं इसको नोक करने के साथ साथ फिनिश कर देता हूँ जैसे मैं इसको नोक एंड फिनिश करता तो हूँ मुझे लेफ्ट साइड से पड़ती हैं मेरे कान के पास से बुलेट्स गुजरती हैं लेकिन मुझे पता नहीं चलता यार कि ये बुलेट्स आँ कहाँ से रही हैं इतनी देर में मुझे बैक से साउंड आते हैं मुझे लगता है यार बैक पे बंदा आ चुका है तो यहाँ पे ये बोर्ड होता है इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट फिनिश करता हूँ उसके बाद मैं वापस जाता हूँ वहाँ पे सामने की तरफ़ फाइट चल रही होती है तो ये दो स्काट होते हैं एक डुओ होता है एक सोलो होता है ये फ़ाइट ले रहे होते हैं तो एक मुझे जैसे ही नज़र आता है जस्ट स्टेट को मैं नोक करता हूँ साथ ही फिनिश करता हूँ और ये अंदर वाला बंदा इसको फिनिश करने की ट्राई करता है लेकिन उससे पहले मैं इसको फिनिश कर देता हूँ उसके बाद दूसरा बंदा इस साइड से उस पर पुश करता है बट मेरी काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स इसको कनेक्ट होती हैं मतलब एक तरह से मैं अंदर वाले बंदे को कवर दे रहा होता हूँ तो मेरी काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स इसको कनेक्ट होती हैं लेकिन वो नोक नहीं होता फिर उसके बाद नोक पड़ा होता है मैं इसका किल स्टील करने की ट्राई करता हूँ बट होता ही है कि मेरी गन में से एमो ख़त्म हो जाती है फाइव की एंड वो किल में से स्टील नहीं हो पाता तो फिर अंदर ये अंदर वाला बंदा इन दोनों को मार एक को मार देता है एक को मैं मारता हूँ उसके बाद ये अंदर वाला बंदा रह जाता है फिर मैं एहो वगैरह लूट करके इस पर पुष करने की ट्राई करता हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ा सा राइट की तरफ से एंगल बनाता हूँ इस घर के पास आता हूँ घर से बाहर निकल के यहाँ पे मेरे पास एंगल होते हैं जहाँ से मैं नेट मोली कर पाता हूँ तो यहाँ पे मैं मोली फेंकती हूँ अंदर की तरफ तो मुझे लगता है कि अंदर की तरफ तो अगर होगा तो मोली से जाहिर सी बात है कि लाजमी नोक एंड फिनिश हो जाएगा नोक तो हो ही जाएगा क्योंकि नेड़ से कम चांस थे जैसे मैं मोली करता हूँ इस मोली से ये भाई मोली में आ जाते हैं और नोक हो जाते हैं और जब तक तो मैं वहाँ पर पहुँचता तो पहुँचता तो तो ये भाई मोली से फिनिश भी हो जाते हैं अच्छा उसके बाद सामने देखना अभी मेरे साथ ग्लिच क्या हुआ ये देखो सामने आपको गाड़ी पे बंदा नजर आ रहा है मुझे भी नजर आ रहा है अब ये बंदा है मेरी बुलेट इसको लग रही है डैमेज हो रहा है लेकिन ये नोक नहीं हो रहा मुझे लगा यार मेरा इंटरनेट चला गया है मेरी एम एस नहीं आ रही क्या इशू है बंदा नोक क्यों नहीं हो रहा ये बंदा अभी मुझे नज़र आ रहा है ना आप लोगों को भी नज़र आ रहा है मैं गन स्विच करता हूँ लेफ्ट पे मेरे बंदा आ जाता है तो मैं उसके साथ फाइट लूँगा लेकिन ये बंदा भाई यहाँ से फिर गायब हो जाएगा ये ग्लिच से मुझे नज़र आ रहा होता है तो फिर इतनी देर में लेफ्ट पे बंदा आता है मैं उस पर फायर करता हूँ और उस पर एग्रेस करने के लिए आगे से जाता हूँ एक बंदा इसका शेक के अंदर होता है तो मुझ पर जैसे ही एम करते हैं मैं भाई को यहाँ पर नोक कर देता हूँ देसी बॉय को तो यहाँ पर उनको नोक करता हूँ फिर मुझे लगता है यार मेरा इंटरनेट ठीक है लेकिन वहाँ पे जो बंदा है वो ही ग्लिच हुआ हुआ है वहाँ पे बंदा नहीं था बट तो तो मुझे ग्लिच से नज़र आ रहा था फिर मैं यहाँ पे आके एक बार फिर वहाँ पे देखूँगा कि यार वो बंदा वहाँ पे रियल में है भी कि नहीं है तो सबसे पहले मैं ये जो देसी बॉय है इनको यहाँ पे फिनिश करूँगा मैं एकदम से कवर में आ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो जो दूसरा ब्लैक कलर वाला बंदा है ब्लैक कपड़ों वाला वो हो सकता है इसको कवर दे दे, दे और मुझे नोक कर दे तो वो बंदा इसको कवर नहीं देता वो पीछे होता है एंड वो जो बैक पे मुझे बंदा नज़र आ रहा था वो भी भाई ग्लिच से नज़र आ रहा था तो इस बंदे को नो एंड फिनिश करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे की करवाता हूँ और लेफ्ट से मेरे ऊपर बंदा रश करने के लिए आता है और भाई ये वही भाई होते है जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे नोक एंड फिनिश करता हूँ ये पत्नी के क्या नाम है इसका पत्नी आई थिंक नाम है तो ये दोबारा भाई तुम रिकॉल हुए जाओ जाके लूट करो जोन में जाओ क्या ज़रूरत है मुझे पे एग्रेस करने की लेकिन दोबारा मुझ पर एग्रेस करते हूँ मैं भाई को फिर से नोक एंड फिनिश करके इस बार पक्का लोबी ही भेज देता हूँ तो अभी हमारे हो चुके थे सोलह और तो उसके बाद मैं जोन की तरफ तो जा रहा होता हूँ इतने दिन मैं लेफ्ट साइड से ये बंदा होता तो हूँ मुझे देख के प्रोन हो जाता है बट मेरा एक हेड इसको कनेक्ट होता है और मेरे पास इसका एंगल होता है बट अयाज़ अहमद भाई का प्रोन उन्होंने कोई काम नहीं देता और मैं भाई को यहाँ पर नोक एंड फिनिश कर देता हूँ उसके बाद में जब तक जोन में आता था मेरे तीनों टीममेट्स नॉक एंड फिनिश हो चुके होते हैं आई थिंक एक पहले हो जाता है उसके बाद दो जो होते हैं वो नॉक फिनिश होते हैं एक ये वाला बंदा मेरे टीममेट्स को मारता है क्योंकि मुझे नज़र आता है तो मेरे टीममेट रैंडम रेंडम ही होते हैं वो मुझे कहते हैं भाई इस बंदे ने मारा था इस बंदे ने मारा था तो यहाँ पे मैं इस भाई को नोक कर हूँ नोक करते साथ साथ आसिम भाई को फिनिश भी कर देता हूँ क्योंकि इसने हमारे टीममेट को नोक एंड फिनिश किया था उसके बाद एक ही बंदा रह जाता है जो इसी का टीममेट होता है क्योंकि जैसी बात है ये नोक हुआ है तो इसी का टीममेट होगा तो उसकी लोकेशन का मुझे पता नहीं था बट इतना पता था कि वो लेफ्ट वाली साइड पर तो फिर मैं यहाँ पर स्मोक कर लेता क्योंकि ओपन में जाते हो सकते वो मुझे देख के नोक एंड फिनिश तो कर दे बल्कि नोक तो होना नहीं है डायरेक्ट मैंने लोबी जाना है तो भाई मैं लोबी जाना नहीं चाहता था क्योंकि इतने अच्छे हाथी किल्स करके मैं मरना नहीं चाहता था मुझे चिकन डिनर चाहिए था तो भाई फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा सा वेट करता हूँ उस बंदे का तो यहाँ पर मेरे जो टीमेट्स होते हैं रेंडम वो कहते हैं नंबर फोर काफ़ी ज़्यादा प्रो है उसने आधी लोबी हाल कर दी तो सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन भाई मुझे उनको म्यूट करना पड़ा क्योंकि मुझे लास्ट बंदे का साउंड लेना था तो भाई अगर आप वीडियो देखते हो तो सो सॉरी यार क्योंकि मुझे लास्ट बंदे का साउंड लेना था और अभी आप लोगों ने मुझे प्रो कह भी दिया था तो अभी आपके सामने मर जाता तो अच्छा नहीं लगता ना <laughs> तो इस वजह से फिर मैं उनको म्यूट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ मुझे राइट साइड से साउंड आता है कि बंदा राइट साइड पर इस टावर के थोड़ा सा आगे तो फिर मैं यहाँ पर टावर के एक कॉर्नर पर आके कर टी पी भी लेना स्टार्ट कर देता हूँ और जैसे ही वो बंदा यहाँ से मेरे सामने आता है यहाँ पे बंदे को मार के डायरेक्ट लोभी पहुँचा देता हूँ और ऐसे हमारा विनर विनर चिकन डिनर हो जाता है तो कैसे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो कि अगर प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप एक छोटे से लाइक से एक सेकंड के लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक तब तक, तक, तक तो बहुत ज़्यादा याद रखेगा तो में याद रखिएगा और अगर कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर दीजिएगा तब तक अल्लाहा तो हाफ़